कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के मुठानी के पास NH2 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बालू लदा ओवरलोडेड ट्रक बेकाबू होकर कंटेनर से जा टकराया, जिसके बाद बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं इस हादसे में घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पैर पर लगी गंभीर चोट की वजह से ट्रक चालक घंटों तक ट्रक में फंसा रहा। लोगों ने चालक को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना NHI को दी, जिसके बाद तुरंत NHI पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक को बाहर निकालने में जुट गई। हम 4 बजे को सूत रहे थे। हाँ, जगह तो देखे गाड़ी पलटा है। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? और कहाँ जा रहे थे? क्या नाम हुआ तुम्हारा? साधना। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है जो फंसा है? क्या नाम है तुम्हारा? साधना। क्या है आप ट्रक के? ड्राइवर का। आप ट्रक पर क्या करते हैं? सर, कितना बजे घटना हुआ है? 4 बजे के आसपास। और अभी तक कई घंटा मशक्कत के बाद अभी नहीं निकल पाया? 4 घंटा हुई भी, 4-4.5 घंटा हो गया। निकाल लिया जाएगा, कोशिश में लगे हैं। बहुत जल्दी जो है उनको निकाल करके हम लोग इलाज में उसको भेज रहे हैं। वहीं NHI के कर्मी ने कहा कि ट्रक पलटने की स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके बाद तुरंत एम्बुलेंस और क्रेन को भेजा गया। कैसे घटना घटा, एक किस जगह पे घटा? ये घटना सर 4:56 में मुझे एक यूजर ने फोन किया कि मुठानी में एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग तुरंत पहुँचिए। तो हम अपना एम्बुलेंस पहले भेज दिए और साथ में क्रेन को भेज दिए और मोहनिया थाना को हम फोन कर दिए और इसके बाद में हम भी तुरंत पहुँचे। लेकिन ड्राइवर फंसा हुआ है और दूसरी बात है कि बिजली का तार, ट्रक के ऊपर बिजली का तार है, हमारा बूम नहीं लग पा रहा। हाइड्रा भी आया हुआ है तो हाइड्रा से कोशिश करके उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो ड्राइवर जो फंसा हुआ है जिंदा है अभी की? हाँ, जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है, सिर्फ पैर में उसको चोट लगा है, फंस गया इसलिए नहीं निकल पा रहा। क्या नाम हुआ सर आपका? फिलहाल पिछले 5 घंटे से ट्रक में फंसे चालक को निकालने की मशक्कत जारी है। स्थानीय लोग भी चालक को निकालने में पूरा सहयोग दे रहे हैं ताकि ट्रक चालक को सही सलामत निकाला जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।